हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑल इन वन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, हम पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए बैठ भी जाते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं लगता। हमारा बॉडी तो भले ही हमारे पास होता है, लेकिन हमारा माइंड कहीं और होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को लेकर बात करेंगे कि आखिर हम पढ़ाई पर मन कैसे लगाएं। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज होता है कि साइलेंस। आप देखिए कि आप जिस सराउंडिंग में पढ़ रहे हो, सराउंडिंग साइलेंस है कि नहीं, आप शांत वातावरण में है कि नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन पावर का बेस होता है साइलेंस। अगर साइलेंस नहीं है तो आपके पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट है बी हेयर नाउ टेक्निक। आप अपने माइंड को बोलिए दिन भर में जो कुछ हो गया सबको इरेज कर दे, अब जितनी भी फालतू चीजें वो सारी चीजों को डिलीट कर दे अपने माइंड से और अपना फुल कंसंट्रेशन पढ़ाई पे लगाए। दोस्तों, इससे होता क्या है कि आपके आपकी माइंड सारी फालतू की चीजों को भूल के पढ़ाई पर फुल्ली कंसंट्रेट कर पाती है। हमारा थर्ड पॉइंट है मेक इट इजी एंड थिंक दैट इट इज इजी। दोस्तों, कोई भी काम आसान या फिर मुश्किल नहीं होता है, सब कुछ डिपेंडेंट होता है हमारी सोच के ऊपर। अगर हम सोचे ये काम आसान है तो आसान हो जाता है, अगर हम सोचे ये टफ है तो आप तो पहले से ही इसे टफ सोच रहे हो, कहां से आसान हो पाएगा। दोस्तों, कोई भी काम हार्ड नहीं होती है, हम खुद स्ट्रांग नहीं होते हैं, सब कुछ निर्भर करता है हमारी सोच के ऊपर। अगर हमें सोचना ही है तो क्यों ना हम कुछ अच्छा सोचे, क्यों ना हम किसी काम को आसान सोचे ताकि हमारा काम भी हो पाएगा। दोस्तों, नाम एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर बनता है। अगर आप किसी भी काम को आसान सोच कर उसे करते हो तो आपका काम धीरे धीरे होता ही चला जाएगा, क्योंकि काम ही काम का रास्ता बताती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिवॉर्ड सिस्टम। आप अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए ताकि ये काम इजिली हो पाएगा। और जैसे सपोज कीजिए हमारे पास 100 क्वेश्चन से याद करने के लिए, तो इसे हम 50-50 के दो भागों में बांट दिए। अब हम पहला 50 क्वेश्चन याद करेंगे। जैसे ही हमारा पहला 50 क्वेश्चन याद हो जाता है, हम अपने माइंड को एक रिवॉर्ड देंगे। वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, वो आप ऐसा रिवॉर्ड दीजिए जिससे आपके माइंड को खुशी मिले। जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया के एडिक्टेड है तो आप अपने आपको 10 मिनट 20 मिनट तक फोन चलाने के अलावा दे दिए, लेकिन एक लिमिट तक। किसी भी चीज को एक्सेस करना बहुत बुरा होता है, एक लिमिट तक। या फिर आप कोई भी ऐसा काम करें जिससे आपके माइंड को खुशी मिलती है, उसके बाद से नेक्स्ट 50 क्वेश्चन याद करते हैं। फिर जैसे वो कम्प्लीट होता है फिर आप अपने माइंड को एक रिवॉर्ड दे दीजिए। इससे क्या होता है, काम भी आपका हो जाता है और आपको बोर भी फील नहीं होती है। दोस्तों, काम को खेल समझ के कीजिए ताकि आपका काम भी हो पाएगा और आपका मन भी लगा रहेगा। अगर आप कोई भी काम करते हो तो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए काम करो, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, क्योंकि जिंदगी आपकी है, किसी के बाप की नहीं। सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है, ये कभी शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।